नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। इस दुनिया में आसान और मुश्किल जैसा कुछ नहीं होता है। नहीं करने वालों के लिए आसान काम भी मुश्किल लगता है और करने वालों के लिए मुश्किल काम भी आसान लगता है। यह वो कौन सा उकता है जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, क्या इंसान अपने दिल में घर ना करे। दोस्तों, जिसका दिल जितना मजबूत होता है तो दिल से जितना अमीर होता है, बाहर का दुश्मन उसका पाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं उस दुश्मन की बात कर रहा हूं जो हमारे जीवन में काम वासना को बढ़ा देता है। दोस्तों, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ओसीडी क्या है, क्या है उसके लक्षण और कैसे बचेंगे ओसीडी से। किसी ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी से पूछा, स्वामी जी क्या आपको काम आक्रमण करता है? काम आक्रमण का मतलब होता है सेक्स का अटैक। स्वामी जी ने उत्तर दिया, जरूर आक्रमण करता है, वो जरूर आता है, लेकिन वो मेरे घर के दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहता है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे घर में घुस सके, क्योंकि स्वामी जी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से ताकतवर थी। दोस्तों, मैं आपको आज एक दिनचर्या सजेस्ट करने वाला हूं, साथ में कुछ टिप्स बताऊंगा जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी बन सकते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से ताकतवर और बाहर का दुश्मन, चाहे वो काम हो, चाहे कोई भी कमजोरी हो, कोई भी बीमारी हो, वो आपका बाल बांका नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ध्यान से सुनिए इस वीडियो को अंत तक। पिछले 2 साल से युवाओं ने संपर्क करके बताया है, हमें ओसीडी की बीमारी हो गई, अत्यधिक हस्तमैथुन करने की वजह से, अत्यधिक वीर्यनाश करने की वजह से हमें ओसीडी हो गई। मैंने ओसीडी के ऊपर रिसर्च किया। ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मनोग्रसित बाध्यता विकार। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आज के समय में 80% युवाओं को ये तकलीफ है, लेकिन उनको पता ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैं इसके लक्षण बताना चाहता हूं। आप खुद ही तय करें, अगर आपके अंदर ये लक्षण है तो आप खतरे के जोन में है, तो आज ही आपको सावधान होना है और इस लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, इस उपाय को करना है, ताकि आप इसका ज्यादा शिकार ना हो और जीवन को और खतरे में ना ले जाए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं क्या है ओसीडी के लक्षण। ध्यान से सुनिए। नंबर 1, बार बार डर लगना, बिना कारण ही बार बार डर लगना। नंबर 2, बार बार सेक्सुअल थॉट्स आना, हस्तमैथुन करना और 1 मिनट के लिए भी चैन नहीं मिलना। नंबर 3, बार बार किसी चीज को पूछना, बार बार क्वेश्चन पूछना, समाधान मिलने के बाद भी बार बार पूछना और एक ही बात को रिपीट करते रहना। नंबर 4, ऐसा लगना जैसे पीछे से कोई मुझे दौड़ा रहा है, पीछा कर रहा है, मुझे कोई मारना चाहता है, इस तरह का सेंसेशन होना। नंबर 5, 24 घंटे बुरे विचार आना, उल्टे विचार आना। नंबर 6, अपनी माँ के प्रति भी बुरे ख्याल आना, जिस माँ ने अपने को जन्म दिया है उसके प्रति भी बुरे विचार आना ओसीडी बीमारी का सबसे बड़ा खतरनाक असर है। नंबर 7, सार्वजनिक स्थलों में डर लगना, यानी कि भीड़ के इलाकों में या कभी मार्केट में जाना जहां पर लोग हों, उस बीच में जाने से खुद को बिना कारण ही डर लगना। नंबर 8, कई तरह की आवाज के बारे में सोचना और सुनाई पड़ना और बार बार डर जाना। नंबर 9, सपने में भयानक दृश्य दिखाई देना और डर लगना। नंबर 10, मरने का डर, ऐसा लगना जैसे कोई आग लगी है, कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मुझे जलाना चाहता है, कोई मुझे बर्बाद करना चाहता है, इस तरह का सेंसेशन होना। दोस्तों, ये ओसीडी की बीमारी की वजह से
80% युवा इनमें से कोई ना कोई लक्षण से पीड़ित है। अगर आपके अंदर ये लक्षण है तो आज ही सावधान हो जाएं और इस दिनचर्या को फॉलो करें। सबसे पहला काम, सुबह जल्दी उठें। अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठना है उसके लिए हमने उपाय बताया है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने के लिए ये दोनों वीडियोज मदद करेंगी। इस वीडियो में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इसे फॉलो करें, आप ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ पाएंगे। उठने के बाद आप जरूर ही बाहर जाकर 2 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक पैदल चलें या दौड़ के चलें, जैसा आपको सही लगता है। बाहर घूमना सुबह सुबह बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, घर में आने के बाद आप फ्रेश हो जाएं, नहाएं धोएं, या अगर आप नहीं नहाना चाहते हैं तो भी आप प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम से आपकी प्राणिक शक्ति बढ़ती है, इसलिए प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। प्राणायाम के लिए आप ये प्लेलिस्ट जरूर देखिए। प्राणायाम में आप भस्त्रिका प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, त्रिबंध प्राणायाम आदि कर सकते हैं। चौथी चीज है, ध्यान जरूर करें। भले ही आप 10 मिनट के लिए क्यों ना करें लेकिन ध्यान जरूर करें। ध्यान कैसे सीखना है, कौन सा ध्यान सही है, उसके लिए आपको निर्णय लेना है। आप देखें हमारी प्लेलिस्ट मंथन हब मेडिटेशन। दोस्तों, इनमें से कोई भी एक मेडिटेशन को आप पसंद करें और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। 10 मिनट के लिए भी ध्यान जरूर करें। पांचवी चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं, आप आंवले का जूस जरूर पिएं। आंवले का जूस आप सुबह सुबह खाली पेट पिएं। आप किसी भी कंपनी का आंवले का जूस पी सकते हैं। मंथन हब की तरफ से सजेस्टेड आंवले का जूस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसकी लिंक में जाकर आप उसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आंवले का जूस पीने से आपके अंदर वीर की कमी बहुत ही जल्दी पूरी होती है। शारीरिक और मानसिक कमजोरी बहुत ही जल्दी पूरी होती है। सबसे पहले जानते हैं इसके फायदे। इसका रस पौष्टिक, केश वर्धक, वीर वर्धक, रक्त शुद्धि करने वाला है, रुचिकर, मूत्रल, त्रिदोष नाशक, टूटी हड्डियों को जोड़ने में सहायक, कांति वर्धक, नेत्र ज्योति वर्धक, गर्मी नाशक, दांतों को मजबूती देने वाला, सप्त धातुओं को पुष्ट करने वाला, बवासीर, अजीर्ण, जलन, क्षय आदि रोगों में लाभदायक। यह बालों की जड़ें मजबूत बनाता है तथा इसके सेवन से बाल काले होते हैं, पाचन तंत्र मजबूत होता है और दीर्घायु व यौवन प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कैसे करें इसका सेवन। 10 से 20 मिली रस सुबह शाम खाली पेट लें। 1 से 3 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण और 10 से 40 मिली आमला रस मिलाकर लेने से शरीर में दिव्य शक्ति आती है। फिर से बताते हैं, 10 से 20 मिली रस सुबह शाम खाली पेट लें। 1 से 3 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण और 10 से 40 मिली आमला रस मिलाकर लेने से शरीर में दिव्य शक्ति आती है। इसकी सावधानी है, सावधानी, आंवला रस और दूध के सेवन से 2 घंटे का अंतर रखें। शुक्रवार और रविवार को आंवले का सेवन निषिद्ध है। दोस्तों, इस आंवले के रस को घर पे मंगाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस लिंक में विजिट करके इसे आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी और कंपनी का आंवले का जूस पसंद है तो भी आप मंगा सकते हैं। मंथन हब की तरफ से जो सजेस्टेड है वो आपके लिए रिलायबल और इफेक्टिव है। अब सबसे लास्ट में हम आपको एक उपाय बता रहे हैं। अगर आपको OCD की तकलीफ है, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ OCD के लक्षण दिखाई देने लग गए हैं तो ये काम जरूर करें। कहीं अगर तुलसी का पौधा है तो सुबह और शाम को कम से कम 5 से 10 मिनट तक तुलसी के पौधे के पास आधा मीटर नजदीक जाना है और समय बिताना है। तुलसी बहुत ही एंटीबायोटिक पौधा है। तुलसी के आसपास रोगों के कण मौजूद नहीं रहते हैं। तुलसी में वो क्वालिटी होती है। तुलसी पौधा नेगेटिविटी को, रोगों के अणु को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। आप समय निकालकर 5 से 10 मिनट
तुलसी के पौधे के पास आधा मीटर नजदीक जाकर समय बिताएं, बैठें या खड़े हो जाएं, जैसा आपको कंफर्टेबल महसूस होता है। आप सुबह सुबह 5-7 पत्ते तुलसी का खाकर पानी पिएं, जिससे आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपके अंदर जो रोगाणु है वो मिट जाएंगे। तुलसी को कैसे खाना चाहिए और तुलसी के और क्या क्या फायदे हैं, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बताया है, इस वीडियो को जरूर देखें, अपना उत्साह बढ़ाएं। पिछले 4-5 साल से हमने देखा है 25 दिसंबर को कुछ लोग तुलसी दिवस के रूप में मनाते हैं। यह बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। आप आज से लेकर ये सारे उपाय करने लग जाएं और 25 दिसंबर को हो सके तो आप भी अपने घर में तुलसी दिवस मनाएं, तुलसी का सम्मान करें। तुलसी का सम्मान आपका जीवन है, तुलसी प्रकृति का वरदान है, तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। इसलिए तुलसी का आप अधिक फायदा उठाएं और अपने आप को निरोग और ऊर्जावान बनाएं। दोस्तों, इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले फिर से कहना चाहता हूं, यह वो कौन सा उकदा है जो हो नहीं सकता, यह वो कौन सा उकदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जिए न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, क्या इंसान अपने दिल में घर ना करे। मुस्कुराकर गम का जहर जिसे पीना आ गया, मुस्कुराकर गम का जहर जिसे पीना आ गया, यह हकीकत है, इस चाह में उसको जीना आ गया। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस वीडियो में हमने जो भी उपाय बताए हैं, इसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बने। ऑल द वेरी बेस्ट।